हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ई श्रम कार्ड क्यों बनवाए जा रहे हैं और ई श्रम कार्ड बनवाने के बाद से क्या आपको लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करिएगा ताकि आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ई श्रम कार्ड क्यों बनवाए जा रहे हैं। दोस्तों गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना एक डेटाबेस तैयार कर रहा है जिसपे जितने भी असंगठित क्षेत्र के लोग हैं उन सभी का रिकॉर्ड उसके पास मौजूद हो जाए। दोस्तों असंगठित क्षेत्र में जैसे कि लोग रोड के किनारे जो लोग दुकान लगा के अपना जीवन यापन कर रहे हैं, छोटी मोटे कोई भी व्यवसाय करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, दिहाड़ी के मजदूर हों, किसी भी असंगठित क्षेत्र में किसी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, मतलब कि दोस्तों जितने भी लोग रोज के कमा के और रोज के खाने वाले लोग हैं उन सभी लोगों का गवर्नमेंट एक डेटा तैयार कर रही है कि कभी भी भविष्य में उनको कोई लाभ दिया जा सके तो डायरेक्ट उनके खाते में पैसे भेजे जा सके। तो दोस्तों गवर्नमेंट का बस एक ही मकसद है, इसका एक डेटाबेस तैयार करना जो लोग असंगठित क्षेत्र के लोग हैं। दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि इसको बन जाने के बाद से इसका लाभ आपको कैसे मिलेगा। तो दोस्तों लाभ के लिए मैं आपको बता देता हूं कि अभी कोविड का सिचुएशन चल रहा था, कोविड के सिचुएशन में गवर्नमेंट ने जितने भी जनधन योजना के अकाउंट में खाते हैं उन सभी खातों में जिन महिलाओं के खाते हैं उनको 500-500 रुपए उनके खाते में भेजे थे, बट दोस्तों उन सिर्फ महिलाओं के खाते में भेजने से तो काम चलेगा नहीं। तो गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई डेटा नहीं था कि गवर्नमेंट इन ये असंगठित क्षेत्र के जितने भी लोग हैं इनके खाते में पैसे भेज सके, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई डेटा ही नहीं था। तो गवर्नमेंट ने इसी डेटा को तैयार करने के लिए ये जो प्रोसेस है ये ई श्रम कार्ड लाया है। तो दोस्तों जब भी कोविड जैसा सिचुएशन अभी फिलहाल में भी अभी भी अपने देश में फिलहाल है, अभी तो ये कोविड खत्म नहीं हुआ है, तो दोस्तों जब भी कोविड से अगर लॉकडाउन आता है तो डायरेक्ट जब भी आप ई श्रम कार्ड जो बनवाए हैं जो उसमें अपना अकाउंट नंबर दिया है उस अकाउंट में सीधे आपके गवर्नमेंट पैसे ट्रांसफर करेगी। उदाहरण के लिए जैसे कि मैं आपको बता दूं अभी उत्तर प्रदेश में योगी जो सरकार है वो 2 करोड़ लोगों को 3 जनवरी को ही खाते में पैसे ट्रांसफर किए और दोस्तों वो जो पैसे हैं वो भरण पोषण योजना के अंतर्गत जो है वो ट्रांसफर किए हैं। जैसा कि दोस्तों गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि अब फिर से एक बार कोविड आने वाला है तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार में योगी सरकार ने 2 करोड़ अपने इसमें ई श्रम कार्ड धारकों को खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं और अप्रॉक्स लगभग 3 करोड़ बचे लोग हैं उनका दूसरे चरण में पैसे जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे। मतलब कि उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश में इस योजना को कार्ड बनते ही इसका लाभ मिलना स्टार्ट हो गया है। दोस्तों ऐसे ही हर एक स्टेट में जब भी लॉकडाउन का समय आएगा सभी गवर्नमेंट जितने भी स्टेट की जितनी भी गवर्नमेंट हैं वो सभी अपने कार्ड धारकों को इसका लाभ देंगी क्योंकि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। तो दोस्तों स्टेट वाइज थोड़ा लेट हो सकता है बट दोस्तों खाते में सबको लाभ मिलेगा, बट जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आएगा तब भी ये इसका लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि देश का माहौल बहुत अच्छा चल रहा है और आपके खाते में पैसे आएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। ये ऐसे सिचुएशन में ही आएगा जब देश में किसी भी प्रकार का आपदा आता है, जैसे कि अभी कोविड का आपदा चल रहा है तो इस टाइप का कोई भी अगर आपदा आता है तो वो सीधे आपके डायरेक्ट आपके खाते में पैसे जो है वो ट्रांसफर किए जाएंगे। तो दोस्तों गवर्नमेंट का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र मकसद है इस कार्ड को बनवाने का कि ये जितने भी असंगठित क्षेत्र के लोग हैं इनका एक प्लेटफॉर्म हो, इनका एक कैटेगरी हो कि जब भी कोई लाभ देना हो तो इनको डायरेक्ट इनके खाते में दिया जा सके। तो दोस्तों आई होप आपको ये हमारी जानकारी सब कुछ समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करिएगा ताकि आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।